सर, पहला सवाल यही, फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है जोरदार तरीके से, अब तक तो रियल एस्टेट मार्केट ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, क्या ये फेस्टिव सीजन में भी हम परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे? मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई डाउट नहीं है विपिन जी की, ये मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है इन स्पाइट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाने से भी, तो भी कोई मेरे को लगता है जो लोगों का उत्साह है उसमें कुछ कमी नहीं आई है, क्योंकि लोगों को अभी भी ये जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है वो भी अभी भी अफोर्डेबल ही लग रहे हैं। मार्केट में ढेरों ऑफर्स हैं डेवलपर्स की तरफ से, ढेरों लॉन्चेस हो रहे हैं, नए नए बिल्डिंग्स के बारे में बातें चल रही हैं, और लोगों की जो साइट विजिट्स पे वॉकिंग्स है वो बहुत ही एनकरेजिंग है, तो उसके चलते हुए डेवलपर भी बहुत एंथुजियास्ट हैं। अच्छी बात ये रही है कि उन्होंने प्राइस इंक्रीज नहीं किया है, जो बीच में बात हो रही थी कि इनपुट कॉस्ट होने से प्राइस चाहे तो बढ़ा सकेंगे, थोड़ा बहुत हमने कहीं कहीं देखा है, बट जनरली अगर आप बात करें तो ओवरऑल उन्होंने अपने प्राइस बढ़ाई नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं तो डबल इम्पैक्ट हो सकता था। लेकिन अल्टीमेटली इंटरेस्ट यही है कि फेस्टिव सीजन का पूरा माहौल बना हुआ है, लोग काफी बाय कर रहे हैं और मुझे लगता है ये कंटिन्यू करेगा, आगे कोई ऐसी परेशानी नहीं दिख रही है। चलिए, तो फेस्टिव सीजन का एक शानदार आगाज होते हुए हम देख सकते हैं, और जो मोमेंटम प्रॉपर्टी मार्केट में बना हुआ है उसके बने रहने की उम्मीदियां, नए लॉन्चेस, नए ऑफर्स, यानी कि खरीदार की चांदी ही चांदी। चलिए, अब फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं जॉय नाथ साहब, जो हमें मुंबई से फोन कर रहे हैं। नाथ साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी नमस्कार, मेरा सवाल ये था कि अभी मुंबई में एक्चुअली मेरा बजट 70 लाख है, मैं मुंबई पुणे और कोलकाता में घर देख रहा हूँ, तो और दूसरा मुझे जानना था कि अभी करंट जमाने में हमको रेंट पे रहना ज्यादा अफोर्डेबल है या कंपेयर टू हम लोग अपना खुद का ले लें, या फिर क्या है, मतलब दोनों में से कौन सा बेहतर रहे? अच्छा सवाल है आपका, रेंट वर्सेस बाय, हालांकि ये शहर टू शहर भी डिपेंड करता है, और आप 3 शहर देख रहे हैं, मुंबई, पुणे और कोलकाता। चलिए असलम साहब से सलाह लेते हैं, सर क्या सलाह होगी इनके लिए, क्या ये अपना खुद का घर खरीदें, और इन 3 शहरों में से फिर कौन सा शहर मुनासिब रहेगा? सर देखिए, बिल्कुल ही क्लियर एंड स्पष्ट राय यही रहेगी कि अपना घर अपना ही होता है, आप अपना घर खरीदते हैं तो बहुत चीजें आपकी सहूलियत हो जाती हैं। एक रेंटल के घर में आप किसी और के घर में रहते हैं जहाँ पे उनके थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको रहना पड़ता है, और कभी भी आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप उस घर में कब तक रह सकते हैं, तो मुझे लगता है एनी टाइम किसी के लिए भी अगर इसमें दो राय हैं और आपके पास एक बजट है तो मुझे लगता है घर लेना ही सबसे बड़ा प्रेफरेंस रहना चाहिए उसमें, तो मैं आपको यही बोलूंगा अगर आपका 70 लाख का बजट है तो आपको डेफिनेटली घर लेना चाहिए। दूसरा आपका जो सवाल है कि बॉम्बे, पूना या कोलकाता, उसमें भी एक अगर आपको एक संक्षिप्त में राय दी जाए तो यही होगी कि पूना इन सब में मेरे लिए फेवरेट रहेगा, इसलिए नहीं कि मैं रहता हूँ वहां, लेकिन ये है कि जो आपका एक तो क्वालिटी और एक जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 70 लाख में वो पूना में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मुंबई अपने आप में काफी महंगा है तो वो इस कंपैरिजन से अलग हो जाता है कि 70 लाख में आपको बहुत आउटस्कर्ट्स में मिलेगा और घर भी छोटा मिलेगा। पुणे में 70 लाख में आपको एक अच्छा घर एक मेन सिटी एरिया में मिल सकता है, और जहाँ पे आपकी जो बाकी इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं वहाँ है उस एरिया में आपको मिल सकता है। कोलकाता थोड़ा मार्केट इतना अच्छा नहीं कर रहा है, तो तीसरा कंपैरिजन अगर कोलकाता से करेंगे तो वो फिर आपका एप्रिसिएशन ऑन योर इन्वेस्टमेंट पे बात हो जाती है, तो अगर आप पूना में करते हैं और कोलकाता के साथ उसको कंपेयर करें तो पूना में अप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा है, पूना मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। कल उठ के आपको अगर नहीं भी रहना है उस घर में तो आपको रेंटल इनकम जो आएगी वो पूना में बेहतर आएगी, तो ऑल कंपैरिजन मुंबई, कलकत्ता या पूना में पूना बेटर रहेगा, क्योंकि 70 लाख एक अच्छा बजट है जो आपको एक अच्छी डील दिला सकता है। राइट, चलिए नाथ साहब के लिए हो गई सलाह, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर है अहमद रहमान, आप भी हमें मुंबई से कॉल कर रहे हैं। रहमान साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरा पनवेल में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे आपसे सलाह चाहिए। ओके। हाल ही में रिसेंटली मैंने विजिट किया हीरानंदानी और गोदरेज सिटी पनवेल, दोनों पनवेल सिटी सेंटर से और पनवेल रेलवे स्टेशन से बहुत मतलब दूर है, एंड हीरानंदानी इज चार्जिंग 1.25 करोड़ फॉर 2 BHK, बट मुझे जानना है कि ये एरिया अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, तो ये प्राइस के बारे में और मतलब ओवरऑल पनवेल में इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे आपसे एडवाइस चाहिए। चलिए बढ़िया सवाल है, काफी दिनों बाद पनवेल की बात आई है, लेकिन अच्छा है कि निकली है। असलम साहब, तो पनवेल क्योंकि हम पहले एक समय बहुत बातें किया करते थे इसकी, तो क्या आज की स्थिति है पनवेल की, और फिर ये जिन प्रोजेक्ट्स को देखकर आए, डेफिनेटली थोड़े प्रीमियम डेवलपर हैं तो भाव अब इनके काफी ऊपर जा चुके हैं,
तो क्या इनमें इनके लिए जाना सही रहेगा? आई थिंक उसी से जवाब शुरू करता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि गोदरेज और हीरा नंदानी दोनों अपने एक जाने माने डेवलपर्स हैं और उनका प्रोडक्ट हमेशा थोड़ा प्रीमियम पे रहता है, स्पेशली हीरा नंदानी का, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एंट्री किया था पनवेल में और उन्होंने एक अच्छा टाउनशिप उसको बिल्ड किया है। प्लान तो यही ही है उनका अभी भी कि उसको जिस तरह से पवई हीरा नंदानी उन्होंने बनाया है मुंबई में, तो उसी लाइन पे इसको बनाया जाए। जैसे उनका थाने में भी बहुत सक्सेसफुल रहा, पनवेल में थोड़ा स्लो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है नवी मुंबई का, उसकी तारीख नजदीक आएगी, तो ये पूरा एरिया में जो एक अप्रिसिएशन या गहमागमी या आपको इकोनॉमिक ड्राइवर्स की आने की, वो काफी बढ़ जाएगी। और वो थोड़ा टाइम पहले था जहाँ पनवेल का, जब हम पहले बात करते थे तो उस टाइम वो काफी दूर समझा जाता था, लेकिन अभी जिस तरह से प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं एक के पीछे एक, तो अभी वो हीरा नंदानी हो या गोदरेज हो या वो इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट हो पनवेल में, वो इतना दूर नहीं माना जा सकता इन टर्म्स ऑफ जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनकी जो रोड कनेक्टिविटी है। तो स्टेशन से डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करेंगे तो दूर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है ये फ्यूचर में पूरा एरिया बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है और बहुत फास्ट होगा। तो पनवेल और ये नवी मुंबई का जो एरिया है, इसमें वाशी, पालघर, उलवे, ये सारे सारे एरिया, सॉरी पालघर मैंने गलत बोला, वाशी, उलवे और आपका जितने भी एरियाज हैं खारघर वगैरह, उसमें काफी अप्रिसिएशन के चांसेस हैं और काफी अच्छा ये करेगा आने वाले 5 से 10 साल में। तो मुझे लगता है आपको बने रहना इसमें, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कर लीजिए। अगर आपको 1 करोड़ 25 लाख थोड़ा ज्यादा लग रहा है पर 2 BHK, तो वहां पे और भी काफी अच्छे ऑप्शन है, काफी अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं पूरे एरियाज में। आप थोड़ा उसमें ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक ठाक प्राइस में आपको 2 BHK मिल सकता है। बाकी एज अ लोकेशन पनवेल मुझे लगता है इन्वेस्ट कर लेना चाहिए।